उल्ली उल्ली बेटी किधर जा रहे हो बेटी? अरे देख लो भाई, धक्के लग रहे हैं गाड़ी में। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, सबको जय श्री राम और प्यारी से गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी आपका भाई देख लो कहाँ, अभी हम हैं दोस्तों, अभी आपका भाई है दोस्तों बॉर्डर पे। ये है दालकोला बॉर्डर, दालकोला मतलब दालकोला बॉर्डर पे आ गए हैं अभी। 226 किलोमीटर पूर्णिया है यहाँ से, 40 किलोमीटर दिखा रहा है यार बोर्ड पे, खरा खरा सुबह सुबह बनाया जा रहा है हमारा दोस्तों। 26 किलोमीटर पे दोस्तों गुलाब बाग यहाँ से, 40 किलोमीटर ऐसे लिख रखा, शायद पूर्णिया सिटी हो। और अभी चल रहे हैं दोस्तों गाड़ी ले गए, बहुत लंबा रबड़ है सफ़र है हमारा। और दोस्तों आज ना तीन कांड देखे सुबह सुबह, ठीक है सुबह सुबह के कांड बताऊँ। सबसे पहले तो मैंने हमने कांड देखा कि भाई रोड पे पेड़ गिर गया बिल्कुल सेंटर में 4 लाइन पे, और उसके बाद एक बॉर्डर पे गाड़ी फंस गई, नाले में गिर गई गाड़ी। और तीसरा कांड क्या देखा था भाई, तीसरा कांड देखो देखा था, मतलब दो एक एक गाड़ी फंसी हुई देखी, और तीन कांड देखे ना हमने सुबह सुबह। हमारे जनता को विश्वास है हम पे, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे, अगर गलती हो जाती है भाई। ट्रांसपोर्ट के लिए निकल गया दोस्तों आपका भाई, और गड्डी जानती है ऊँट छलंगा मार दी, आपको तो पता ही है गड्डी हमारी छलंगा मार दी जानती है। और भाई आपको बताऊँ ना, अभी बताऊँगा वेट, पहले बोर्ड चेक कर लो आप। फारबिसगंज 114, दरभंगा 243, बेगूसराय 226, मुजफ्फरपुर 310, पूर्णिया 40, अररिया 72, पटना 365। तो भाई ये उतने हो गए हैं दोस्तों आपके भाई के बोर्ड। बंगाल में ना भयंकर पूरी रात हो गई दोस्तों, पानी बजता, मतलब पूरी रात से बारिश है, मतलब पता है आपको कितने दिन से बारिश हो रही है? जिस दिन हम यहाँ से जा रहे थे ना दोस्तों, उसी दिन से बारिश हो रही है यहाँ बंगाल में। और दोस्तों अभी आ गया बिहार में, अभी आपका भाई विजिट कर गया बिहार में, क्योंकि आपके भाई की गुलाब बाग में जो ट्रांसपोर्ट है वो बिहार में, आपको 10 बार बता दिया कि भाई बिहार में आपके भाई की ट्रांसपोर्ट, ठीक है दोस्तों याद रखना। और ये देखो देख रहे हो भाई बाढ़ कितनी भयंकर आ रखी है भाई, इतना पानी हो गया ना दोस्तों, पानी पानी हो रहा है देश में, पानी पानी खतरनाक। ये देख लो नज़ारे, देख लो भाई नज़ारे। उल्ली उल्ली बेटी किधर जा रहे हो बेटी? उल्ली 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 बेटे किधर जा रहे हो? उल्ली उल्ली बेटा देखो दोस्तों कहाँ है, उल्ली उल्ली बेटा निकाल देगा हमारा। ओए भयंकर क्या नजारा है, खौफनाक नजारा। ब्रिज में देख लो दोस्तों कितने गड्ढे हैं, क्या कूद के देखे भाई, कूद के देखे इसमें कुंड में, क्या लग रहा है? हाँ हाँ कुंड होगा तो फिर क्या करूँ, कूद जाऊँ उसमें? लोग कहते बेचारा जो पूछ तो क्यों हारा, आन मिला दिल का कत्ल करना मडला माना। भाई गड्ढों के वजह से दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई, रात को ना इतनी बारिश हो रही है कि रोड भी नहीं दिखती। और जब कल रात को दोस्तों हम धूपगढ़ी में जाम में लगे हुए थे ना, कल सुबह से लगे हुए थे, मतलब 12 बजे लग गए थे, और पूरी रात भर जाम लगा रहा भाई, कम से कम 15 से 16 किलोमीटर का जाम था, उससे भी ज़्यादा पहुँचना क्या हो, हमारी 7-8 गाड़ियाँ खड़ी हैं दोस्तों वो जाम में, समझते हो इतना तगड़ा जाम था भाई बंगाल में। और फाइनली दोस्तों आपको भाई पहुँच चुका है अपने ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रांसपोर्ट वहाँ ट्रांसपोर्ट है, थोड़ी सी आगे जाके राइट मारना है बस, वो देखो कार शोरूम, हुंडई का कार शोरूम है। और अभी चल रहा है दोस्तों ग्रीस गाड़ी में, ये
ग्रीस कराना ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, पूरी बारिश में भीग रखी है गाड़ी, सारी पिने खत्म है, मतलब सारी पिनों का ग्रीस खत्म है, तो ग्रीस करवा रहे हैं बढ़िया वाला। और ग्रीस देखो हमने यार इस बार तो ग्रीस भी बहुत बार कराया यार, बाल्टी में से ग्रीस ही कम नहीं हुआ। चल कोई बात नहीं भाई, ये तो हो जाएगा, ये गन ग्रीस नहीं होने का, हाँ इन दोनों में कर दे। ये तो बढ़िया ग्रीस है, वो बढ़िया ग्रीस है यार, पिन वाला है वो। कौन बना बाबू? ये वाला। आपका सब ग्रीस अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो भाई हम इतने हमारी गाड़ी में हो रहा है ग्रीस हो दोस्तों, अभी ट्रांसपोर्ट पे देखते हैं माल मूल की पोजीशन क्या है, और रवि भाई कराएंगे गाड़ी में ग्रीस। रवि भाई यार पहले ग्रीस करा लो उसके बाद देखना। अरे दोस्तों महिंद्रा का शोरूम है बगल में ही हमारे, अभी ये क्या हो रहा। ठीक है दोस्तों ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपको, क्या पोजीशन रहती है माल वाले की बताता हूँ फिर मैं आपको। सब अभी तो सब हाइड है, देखो कोई भी आया नहीं, शायद टाइम भी कम ही हो रहा है अभी। टाइम कितना हो रहा? 6:30 हो रहे। ठीक है दोस्तों मिलता हूँ थोड़ी देर में। सुबह के बज गए दोस्तों 8 और आपके भाई का माल हो गया दोस्तों, हमारा माल हुआ है उड़ीसा, अभी जाना है मुझे हरदा, मतलब यहाँ से गुलाब बाग गया हूँ, गुलाब बाग से मारूंगा लेफ्ट, लेफ्ट जाके कम से कम 15-16 किलोमीटर पे आपका हरदा आ जाएगा। और हरदा जाने के बाद भाई हम लोड करेंगे उड़ीसा की, उड़ीसा का रेट लगाया दोस्तों 1500 रुपये, और अभी निकल रहे हैं गड्डी लेके। चाबी कहाँ है भाई गाड़ी की? मेरा भी आपको भाई निकल रहा है दोस्तों गड्डी लेके, और वहीं सीधा मिलूंगा मैं आपको हरदा। अभी थोड़ा ग्रीस वाला गया, उसको पैसे दिए हैं 60 रुपये देते हैं हम दोस्तों ग्रीस वाले को, बस अब चलते हैं गाड़ी। हरदा रोड है सामने, राजस्थान की गाड़ी जा रही है, इसके पीछे आराम आराम से चल रहा हूँ, बट पास लूंगा अभी। और ये हरदा रोड है दोस्तों, पुराने वाला रोड, इस पर टोल कम पड़ते हैं, अगर आप इससे भी जा सकते हो, बट सब फोर लाइन को पकड़ना सही समझते हैं, सब फोर लाइन से निकलते हैं। और दोस्तों उड़ीसा जाने के लिए रास्ता देखे हैं कैसे कैसे जाना पड़ेगा, पहले गाड़ी लोड करते हैं। फ्री पेस की जा रही है जो ट्रक के पीछे लगी है, मुझे गाड़ी मस्त समझना, मैं रोड की रानी हूँ, ड्राइवर मेरा आशिक, मैं उसकी दीवानी हूँ। वाह 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 वाह, दोबारे करते हैं, मुझे गाड़ी मस्त समझना, मैं रोड की रानी हूँ, ड्राइवर मेरा आशिक और मैं उसकी दीवानी हूँ। वाह वाह वाह, क्या गजब की चीज लिखवा रहे। फाइनली दोस्तों आपको भाई आ गया है पार्टी वाले के घर के पास, और वहाँ तो अपनी गाड़ी लोड होगी, मतलब जिस जगह मैं जा रहा था लोड करने, बट वो जगह देखी तो बहुत कमजोर थी वो जगह, और मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया था, वो जगह देखते ही सार की भाई गाड़ी फंस जाएगी, वहाँ दूसरी गाड़ी लगी थी जो हमसे पहले थी, वो गाड़ी ही फंस गई। देख रहे कितनी मेहनत कर रहे, अरे देख लो भाई धक्के लग रहे हैं गाड़ी में। और फाइनली दोस्तों ट्रक निकल गया है, बड़ी मुद्दतों के बाद निकला है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ी तब निकला ट्रक, देख रहे हो हमने भी मेहनत करवाई दोस्तों, हार्डवर्क #हार्डवर्क, बट भाई निकल गया, बड़ी मेहनत के बाद निकला दोस्तों ट्रक। चलो चलते हैं अपना ट्रक लगाते हैं लोडिंग पॉइंट पे। और फाइनली दोस्तों टाइम हो गया, 4 और गाड़ी लग गई लोडिंग पे, बड़ी मुश्किल से घुसाई, देखो दोस्तों सारी कीचड़ में टायर बन गए, सोच रहे हो कितनी मेहनत लगी घुसाने में भाई, मैं बिल्कुल पसीने में भीग गया जब गाड़ी अंदर घुसा रहा था, पूरे कीचड़ में। देखो दिखाता हूँ एरिया, दिखाता हूँ कैसा है, कैसी जगह से घुसाई गाड़ी, चलो पहले एरिया दिखाता हूँ। ये चेक करो भाई एरिया चेक करो, देखो यहाँ रपट रही थी गाड़ी, अब आपके भाई की यहाँ रपटी थी बस, अब निकालने में देखे हैं क्या सीन बनता है। फाइनली दोस्तों दो ढांग लग चुकी है, और भाई साहब पैरों से पत्ते लगा रहे हैं, देख रहे हो बोल रहे हम देसी घी खाते हैं, और देख लो दोस्तों देसी घी खाने वाले लौंडे ऐसे रहते हैं क्या, बताओ मुझको। बता दे एक लात में क्या, अबे बत्ते को गुस्सा नहीं आने, लात गए अब दे तेरी। चल देखो भाई लोडिंग चल रही, दोस्तों रात, और देखो पूरा माल हो गया ओवरराइट लोड, ओवरराइट हो गई है दोस्तों, तो भाई गाड़ी निकालने में इतना कष्ट हुआ ना दोस्तों, बस क्या बताऊं मैं आपको, गाड़ी निकालने में दो बार एक दो बार आगे पीछे करनी पड़ी,
तब जाके गाड़ी निकली। और दोस्तों अभी करेंगे रास्ता तिरपाल, हवा बहुत तेज चल रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कि रास्ता तिरपाल कैसे हो गया। चलो पहले रास्ता तिरपाल करते हैं दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपको, वरना तो यार माल भीग जाएगा, बारिश का मौसम बहुत तगड़ा ही हुआ। ये देखो और टाइम हो गया दोस्तों 9 और रास्ता तिरपाल हो गया रेडी। अभी मैं ये देखो ये सामान है ना जो मेरा बर्तन वर्तन रखे हुए थे, बक्सा बंद कर देता हूँ क्योंकि भाई आपका भाई आ गया, मुँह हाथ धो गए और अपनी रास्ता तिरपाल एकदम रेडी हो चुकी है। देखो कैसी लगी भाई रास्ता तिरपाल, आप कैसी लगी दोस्तों रास्ता तिरपाल, एकदम ओके है ना भाई, बहुत मेहनत करी भाई रास्ता तिरपाल। हवा देख रहे हो दोस्तों किस हिसाब से चल रही है भाई, बड़े मुश्किल से रोकी आपके भाई ने तिरपाल, और आगे से देख लो एक बार आगे से कैसे कोने दबा रखे हैं। ये कोने दबाने में थोड़ा मेहनत लगती है ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, और पीछे से भी दिखा देता हूँ आगे से क्या होगा। बाकी एक बार कल को आपको दिखाऊंगा क्योंकि कल को सुबह हो जाएगी ना, कल को सुबह हो जाएगी तो आप ये देख लेना। ये देखो ब्लैक कलर की पन्नी डाल रखी है और एक तिरपाल, बिकॉज भाई बहुत तगड़ी हवा चल रही थी, बड़ी मुश्किल से यही कंट्रोल हुई, बाकी नहीं हो पा रहा था। और दोस्तों अभी तक आपके भाई के कागज़ नहीं आए, 8:44 हो गए हैं, मतलब कागज़ पता नहीं कब तक आएंगे। और गाड़ी भी होगी एकदम रेडी, शीशे वीशे साफ करके एकदम रेडी है, बस निकलने की तैयारी है। कैसी लगी दोस्तों गाड़ी, गाड़ी धुल दी है एकदम मस्त करके। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी का ओ भैया गाड़ी गंदी हो रही है बस थोड़ी सी अंदर से, कोई बात नहीं कल को देख लेंगे इसको। और वो तो चेली से बात कर रहे हैं भाई, भाभी लौंडिया से बात कर रहे हैं, भाभी से बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जैसे कि सारा काम कंप्लीट हो गया है, गाड़ी भी लोड हो गया है, और टंकी पे एक बार नज़र मार लेते हैं कितनी टंकी है, और डीजल टैंक फुल करवा गए, बहुत जल्दी बस एकदम 3.2 का एवरेज है, डी फेक डंडा ख़त्म हो गया और टंकी भी ठीक है। तो वही टंकी भी ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कागज़ कितनी देर में आते हैं। और अभी तक सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, वही सुबह से हमने चाय लिट्टी और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। और ये हमारा घंटा हुआ था देखो, माँ वैष्णो धर्म घंटा। और अब दोस्तों आपका भाई निकल रहा है ट्रक लेके, क्योंकि कागज़ तो आए नहीं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे ट्रक लेके। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, जैसे कि रात हो गई है, और कल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट एंड टेक केयर एंड बाय बाय।